एक तरफ जहां कतर की मध्यस्थता में गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों की जंग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है, जहां इजरायली सेना कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। दरअसल गाजा में रफा शहर और खान यूनिस शहर IDF के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गए हैं, जहाँ पर इजरायली सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। और अब इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने गाजा के तल अल हवा में खान यूनिस में IDF के ऊपर बहुत बड़े हमले किए हैं। दरअसल तल अल हवा के करीब अल कासिम ब्रिगेड्स ने इसराइल के पैदल सैन्य वाहनों पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसमें करीब 10 सैनिक थे। अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने IDF के ऊपर एंटी पर्सनल बॉम्ब दागे हैं। अल कासिम ब्रिगेड्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पहले तो ड्रोन कैमरे के जरिए इलाके और IDF के रूट को चिन्हित किया जाता है। उसके बाद हमास के दो लड़ाके एक हरियाली और एक खंडर में छिपकर IDF के ऊपर घात लगाते हैं। इसके बाद एक लड़ाका अपने कंधे पर बैग रखकर भागता हुआ नजर आता है, जिसके हाथ में एक राइफल होती है। और इसके बाद ये लड़ाके IDF के वाहनों के रास्ते में बारूद बिछा देते हैं, और इसके बाद IDF के सैन्य वाहन उसी रास्ते पर आगे आते हुए दिख रही हैं। इस दौरान अल कासिम के लड़ाके इस बारूद को उड़ा देते हैं, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर हमास के लड़ाके भागकर IDF पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी वीडियो में IDF के कुछ जवान वहां से पैदल जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस दौरान ये नहीं पता चल पाया कि इस हमले में IDF के कितने सैनिक घायल हुए हैं। और इस हमले के बाद अल कासिम ने उत्तरी खान यूनिस के पश्चिमी हल हवूज में IDF के जवानों के ऊपर कई राउंड बम और शॉक बमों की बरसात की, और इस दौरान हमले के दौरान ही अल जिया और अल मताहिन इलाके में अल कुद्स के लड़ाके इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर भारी गोला बारूद बरसा देते हैं। और इसी हमले के बाद अल करारा इलाके में अल कुद्स के लड़ाके IDF और उसके सैन्य वाहन के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट बरसाते हैं। और अलकुद्स ब्रिगेड्स ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अलकुद्स का एक लड़ाका हरियाली के बीच एक लॉन्चर लगाकर बैठा हुआ है। इसके बाद ये लड़ाका इस लॉन्चर में रॉकेट भरकर इन्हें फायर करने में लगाता है।